दिवाली मुबारक बच्चों, लो खाओ। बढ़िया। माँ हम बाजार हो आते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा भीम, आते वक्त मेरे लिए थोड़े दिए भी लेते आना। जरूर माँ। भीम, बेटे भीम। भीम के पिताजी। लौटते वक्त जब मैं चीनपुर से गुजरा तो देखा कि वहाँ एक विशेष बाजार लगा था, और चूंकि दिवाली का अवसर था मैंने तुम्हारे लिए एक भेंट खरीदी है। कैसी भेंट पिताजी? आओ आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ड्रैगन बॉम्ब, जेट सेट रॉकेट, झिलमिल फुलझड़ियाँ, और ये तो सबसे बढ़िया है, घुरिंदर घुमक्कर घमासान चक्कर। भोलू, इतने मस्त पटाखे मैंने आज तक नहीं देखे। क्या पता सच में फटेंगे भी या नहीं। अब तुम ये पटाखे अपने दोस्तों के साथ जलाओ, जाओ। दिवाली तभी अच्छी लगती है जब मिलकर मनाई जाए, और पटाखे सबसे बढ़िया तब फटते हैं जब मिलकर पटाखे जलाए जाए। मैं तो मजाक। पटाखे चाहे कितने ही मजेदार क्यों ना हो, अगर ध्यान से उनका उपयोग ना हो तो वे खतरनाक भी हो सकते हैं। चलिए पिताजी, महाराज ने इसी समय की दावत दी थी। चलो। ढोलकपुर कितना सुंदर लग रहा है ना पिताजी? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? इतना शक्तिशाली राक्षस अचानक आया कहां से? मैं लाया इसे। क्या? हाँ, इसके जाने से पहले मेरा मन किया कि एक आखिरी बार उस जगह को देख लूं जहां मैंने 10 बरस अपना पसीना बहाया। चलते हुए अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं एक दरार में गिर गया। वहां मुझे एक अनोखा शिला कोश मिला जिस पर एक प्राचीन लिपि में खुदाई की गई थी। उस शिला कोश के अंदर एक पुस्तक और रत्नों से जड़ा एक लॉकेट था, और मुझे पता चला कि शिला कोश तोड़कर मैंने अनजाने में अंधेड़ नाम के कुदेवता को रिहा कर दिया। और वो रात है दिवाली की रात, दिन सा रोशन। क्या इसका मतलब इस राक्षस को हम कभी हरा नहीं सकते? इस पुस्तक के अनुसार इस लॉकेट से इस राक्षस को हराया जा सकता है, पर मैं नहीं जानता कि कैसे। अंधेर माने अंधेरा,
और इसे हराया सूर्य भगवान ने। और ये लॉकेट भी सूर्य के आकार का है। कहीं रोशनी, सूर्य की जितनी तेज रोशनी वही इसे हरा सकती है। कालिया, राजू, जगू, तुम सब मेरे साथ आओ। कालिया, सबसे बड़ी वाली लेना, और चुटकी, तुम चार मशाले ले आना। जाओ जल्दी। जल्दी, हमें और पटाखे चाहिए। भीम, लॉकेट का इस्तेमाल करो। कालिया, मेरे इशारे पर सबसे बड़ा ड्रैगन रॉकेट राक्षस पर चलाना। कालिया, अब उसकी याददाश्त चली गई है, हमें उसे यादगार जल पिलाना होगा। तो पिलाइए ना। मेरे पास वो नहीं है। कहाँ मिलेगा वो पानी? पहाड़ के सबसे ऊपर स्थित झरने से बहता है। हम कब पहुँचेंगे? बहुत भूख लग रही है। बस महाराज, पहुँचने ही वाले हैं। नहीं, रुक जाओ, हमें अभी कुछ खाना है। लेकिन महाराज, हमें देर। हमें कुछ नहीं सुनना, अभी आराम करना है। अब क्या करें? हमें जाकर वो जल लेकर आना होगा। लेकिन ये उठ गया तो? तुम, कालिया और ढोलू भोलू इसे यहीं रोक के रखना, हम वो जल लेकर आते हैं, ठीक है? मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। महाराज,
एक स्वामी ने ये अमृत जल आपके लिए भेजा है, इसे पीकर आप शक्तिशाली बन जाओगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं तो पहले से ही शक्तिशाली हूँ। महाराज, लेकिन ये पानी, इसे तुम दोनों ही पी लो, मैं वैसे भी बहुत कमजोर हो। ये तो सच है। लेकिन महाराज, इसे सिर्फ एक महाराज ही पी सकते हैं। ये लीजिए महाराज। बड़ी मुसीबत होगी। इतना बड़ा पुतला, लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार में। बस इतनी सी बात, इसे तो मैं चुटकी में तोड़ सकता हूँ। मदद करने के लिए मेरी चिट्ठी पढ़कर? हाँ। इसलिए। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। हो जाए सच जो भी इसने चाहा, जिसे भी ये हाथ लगाए बन जाए लोहा। और जब मैं सपने से उठा, तब मेरे हाथ में एक कड़ा था। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। रुक जा हालिया। लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा, चुना है इसने जिसे भी, लोहे का ना बन पाए वो कभी भी। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। भीम, उन्हें देखो। देखा, आखिर मैंने वो कड़ा तोड़ ही दिया। तुमने नहीं, भीम ने तोड़ा। ठीक है।
परी प्रमुख। हाँ। टटकू पटकू परियां मेरे घर में कैसे आ गए? हमारी राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी? राजकुमारी तो गई। बहुत गई। पर छोटे छोटे पाँव से कितना दूर भागेगी? पकड़ूंगी। जरूर पकड़ूंगी। जादुई चाबी हमें दे दो, वरना? वरना क्या? परी सेना हमला! जादुई छड़िया बना दे सबको चिड़िया। चुटकू पुटकू है लेकिन लड़ते कमाल के हैं। और से देखो सब लोग, कालिया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कालिया नहीं। क्यों? मैं जीतने वाला हूँ। मैं एक परी हूँ, मेरे पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना। तुझे ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर है और चुटकी और डोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे चार गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है।
हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, भीम, तुम ठीक तो हो ना? है कोई तकलीफ हो तो बताना। ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। अब क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। होबा हुल, होबा हुल। हाँ? मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, रुको। मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लूटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है ना, हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा जंगल उसका। हमें मंजूर है। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। हमारे घर पे शिकारी की नजर है, वो हमें पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा दोस्त है ना भीम, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। भीम, यही है वो तीर। ये क्या? पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। भीम।
हम चोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? डोलू सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरों, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ, क्या कहते हो, किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? खिलौना चाहिए सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? बच्चों कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ ले लो अपने खिलौने। खिलौना भीम।
चलो ढोलकपुर। ये सब हमारी गलती है भीम। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं, ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। भीम, भीम उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। चलो दोस्तों। भीम की चाबी खत्म होने वाली है। पहले जैसा बना दो वरना।